अरे वाह, ये किस चीज़ की सब्जी है? तो आइए आपको फटाफट से बताते हैं, ये है बेसन और सूजी का सब्जी। तो बेसन और सूजी को ले लेंगे आधा आधा कटोरी, उसको हम पानी डाल के घोल बना लेंगे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल के एक अच्छी तरह से हम इसे घोल लेंगे। इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ गाजर, कटी हुई हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, थोड़ा सा अदरक भी डाल देंगे। आप इसमें से कोई भी चीज़ अगर चाहते हैं स्किप करना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक कढ़ाई चढ़ाना है जिसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, राई और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। उसमें हम डाल देंगे इस तरह से आलू रेत के हम रख लिए थे उसको डाल देंगे। उसके बाद हम जो घोल तैयार किए थे बेसन का वो डाल देंगे और इसे धीमी आंच पे हम लगातार चलाते हुए सुखा लेंगे। जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि ये कढ़ाई छोड़ रहा है तो यानी कि ये अब जमने के लिए तैयार है। तो फटाफट से एक थाली ले लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। उसके बाद उसमें इसको हम ट्रांसफ़र करके अच्छी तरह से फैला देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम अपने हिसाब से काट लेंगे। आपको जो भी से पसंद हो आप काट सकते हैं, हमने चौकोरी काट लिया है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसे फ्राई करना है। आप डीप फ्राई मत करिए, सैलो फ्राई चाहते हैं तो ऐसे ही खा सकते हैं, और बिना फ्राई के भी आप इसे बना सकते हैं। तो हमने हल्का सा फ्राई किया है तवे पर, डीप फ्राई नहीं किया। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर आया। आप चाहें तो इसे इस तरह से चटनी से भी खा सकते हैं। लेकिन ये किस चीज़ का ग्रेवी है भाई? आइए तो ग्रेवी के बारे में बात कर लेते हैं। अदरक मिर्ची का पेस्ट बना लिए हैं। लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, सया जीरा, सूखी हुई लाल मिर्च को हम एक बार चला लेंगे कुछ दरदरा होने पर। अदरक लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट था वो डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम फिर से एक बार चला लेंगे। तो इस तरह से ये मेरा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है कि फटाफट से हम एक और प्याज का पेस्ट बना के रख लेंगे, टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से मेरा सारा कुछ ग्रेवी के लिए बनके तैयार हो गया है। कढ़ाई चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे, इसमें डाल देंगे मेथी और सौंफ, साथ में तेज पत्ता। तेज पत्ता के बाद हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है, उसमें फिर पिसा हुआ पेस्ट डाल देंगे प्याज का, उसको भी अच्छे से भून लेंगे जिसका पानी अच्छी तरह से सूख जाए और वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें हम डाल देंगे मसाला जो हमने पीस के तैयार किया था, टमाटर का पेस्ट, हल्दी और नमक, गरम मसाला और धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, इन सारी चीज़ों को साथ में डालते जाएंगे लगातार। उसके बाद इसे हम अच्छी तरह से चलाते जाएंगे और थोड़ी देर तक भूनते रहेंगे। तो आप बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हम आप, और बताइए राजस्थान तो हम गए नहीं, आप राजस्थान के किस शहर में रहते हैं? हमने तो सिर्फ जयपुर ही घूमा है। जयपुर बहुत ही अच्छा, हमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्या ही बताएं जयपुर के बारे में, आप जब भी जाएँ तो वहाँ पर चोखे धाड़ी ज़रूर जाएँ। अरे ये देखिए अभी क्या हुआ, मसाला भून गया, तभी हम इसमें 2 चम्मच भर के दही डाल दिए हैं। दही डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है ताकि दही का भी कच्चापन खत्म हो जाए। उसके बाद मसाला भून के तैयार हो गया है, इसमें हम डाल देंगे पानी। आप चाहें तो बहुत ही थोड़े से पानी में सूखी हुई सब्जी बना सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा ग्रेवी चाहिए तो हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके चला लेंगे कि कहीं कोई गांठ न रह जाए, और अच्छी तरह से इसे हम ढक देंगे पकने के लिए। तो थोड़ा सा उबाल आने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें चारों तरफ अभी वाइट वाइट जो गांठ बना हुआ है, ये गांठ वो है जो मुरझाने के बाद ये तेल का रूप ले लेगा। तो हमें इसका मतलब है कि ये ग्रेवी अभी कच्चा है, तो हमें एक बार इसे चला के फिर से ढक देना है पकने के लिए। तो आपको क्या लग रहा है ये सब्जी कैसा बनने वाला है? हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हमारा यहाँ ग्रेवी बनके तैयार है। आँच को थोड़ी देर हम धीमी कर देंगे और सारे तेल ऊपर आ गए हैं। तेल ऊपर आने के बाद आप देख सकते हैं कि हम इसे हम चला देंगे। चलाने के बाद बिल्कुल सब्जी का ग्रेवी बनके तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम एक प्लेट ले लेंगे जिसमें 2 ठो हम जो कतली रखे थे वो रख देंगे, और उसके बाद हम इसमें ऊपर से डाल देंगे ग्रेवी। तो आप इसे रोटी, पूड़ी, चावल, किसी भी चीज़ के साथ खाइए,